हाय क्लास, इस लेक्चर में हम एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स के। अब देखो, यहाँ पहला एग्ज़ाम्पल आपका क्या कहता है। सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन फिगर 9.5 इज कवर्ड विद एन ओपेक मटेरियल। अगर किसी कॉनकेव मिरर का मैं आधा पार्ट कवर कर देता हूँ, ये आपका कॉनकेव मिरर है, उसका आधा पार्ट अगर मैं कवर कर देता हूँ तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा या उसकी इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा? व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब मान लो आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी इमेज बना रहे हो, तो इसकी इमेज पूरी बनेगी, ऐसा नहीं है इमेज हाफ हो जाएगी, इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट में चेंज आएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी, नो चेंज इन साइज ऑफ इमेज, नो चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ इमेज। ना किसी फोकल लेंथ में चेंज आएगा ना साइज में चेंज आएगा, तो चेंज किस में आएगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी अगर आप कोई लेंस या मिरर कवर करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर आपने किसी लेंस को आधा कट कर दिया ऐसे या इसे कवर कर दिया, तो क्या फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा? फोकल लेंथ सेम रहेगी, इमेज का साइज सेम रहेगा, चेंज किस में आएगा? इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने लेंस को ऐसे कट किया होता ऐसे, ठीक है, तो लेंस ऐसे हो जाते, या तो ये हाफ लेते आप या आप ये हाफ लेते, दोनों ही केस में फोकल लेंथ चेंज हो जाती, अपर्चर चेंज नहीं हुआ, अपर्चर चेंज नहीं हुआ, इसलिए इंटेंसिटी सेम रहती। ध्यान देना, अगर अपर्चर चेंज होगा तो इंटेंसिटी चेंज होगी। अपर्चर मतलब आपका ये, इस केस में अपर्चर कम हो गया था, आधा हो गया था, ठीक है, तो इंटेंसिटी भी चेंज हो गई। इंटेंसिटी का अपर्चर के साथ ये रिलेशन है, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन में जो आपसे मेन चीज पूछी गई थी वो ये था कि अगर आप लेंस को कवर करते हो तो क्या होता है। लेंस को कवर करने से इमेज ब्लर होती है, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, इमेज की हाइट में या इमेज की पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आता। लेकिन आप इस तरीके से लेंस को कट करते हैं ऐसे, तो चेंज आता है। और इसमें होता क्या है, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है? अगर ये दोनों रेडियस बराबर थे, ये आर आर थे, तो अब जो नई फोकल लेंथ आएगी वो डबल हो जाएगी, ठीक? आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो इस एग्जांपल में क्या कहता है, एक मोबाइल फोन है, उसकी इमेज बना रहे हम, तो उसकी इमेज ऐसी क्यों दिखती है? तो इस मोबाइल फोन की इमेज
ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, सीधी क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न है कि ये मोबाइल फ़ोन पहली बात तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ह्यूज ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब मैं अलग अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक तो ये ए, ठीक है, या ऊपर ले लो, या एनसीईआरटी ने ये ले रखा है ए, और एक ये बी, ऐसे बीच में बहुत सारे पॉइंट है। अगर मैं ए पॉइंट की इमेज बनाऊँ, ए जो है साफ दिखाई दे रहा है सी और एफ के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसकी इमेज सी के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, ये रही ए डैश। ए डैश ए की इमेज है, सी के पीछे है और बड़ी है, सी के पीछे है और बड़ी है, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की लूँ तो इसको नाम दे देता हूँ मैं ए वन, तो इसकी इमेज भी बड़ी बनेगी क्योंकि अब भी सी और एफ के बीच में ही है, लेकिन पहले वाली इमेज से छोटी बनेगी क्योंकि ये सी की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे सी की तरफ जाता जाएगा, इमेज सी पॉइंट पर आने पर सेम हाइट की हो जाएगी, इसलिए जो बी है, बी की इमेज जो बी डैश बनी है वो सेम है, यानी कि बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी, ठीक है। अब बी सी इक्वल है और ये ए डैश, और यहाँ पर अगर आप कोई पॉइंट लो क्यू, ये इस वाली हाइट से बहुत बड़ा है, तो आपको इन पॉइंट को अगर मिलाना पड़े, ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर आपको मिलाना पड़े तो आपको पता चलेगा ये इस तरीके से तिरछा बना है, ठीक है। ये देखो पीछे से बड़ा क्योंकि सी और एफ के बीच में था, और जहां पर सी पे था वहां पर सेम साइज का, इसलिए ये इमेज खराब हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई। तो वो क्वेश्चन में पूछता है कि इमेज में डिस्टॉर्शन क्यों आया, ऑब्जेक्ट में तो डिस्टॉर्शन नहीं था, तो आप कहोगे इसका रीज़न है ये कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी ये है कि एफ और सी के बीच में, एक मिनट रुको, हाँ, एफ और सी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज बड़ी बनती है, सी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज छोटी बनती है, और एफ से सी की तरफ अगर आप जाओगे ऑब्जेक्ट को लेके तो इमेज का साइज छोटा होता जाएगा और नज़दीक आता जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, इसके अलग अलग पोजीशन के पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज अलग अलग बनेगी, तो उन सबको जोड़ें तो सबकी हाइट अलग होगी, ठीक। चलो आगे चलते हैं, ये एग्जांपल इजी है, खुद देख लेना, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगना है, 1/v + 1/u = 1/f। एक बात, और दूसरी बात ध्यान के रखना है, कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। इमेज की पोजीशन वगैरह ढूंढने को कह रहा है कि इमेज की पोजीशन ढूंढो, उसका नेचर पता लगाओ, उसके मैग्नीफिकेशन पता लगाओ, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u और hi/ho, ये दो फॉर्मूले, इनका यूज़ करो, काम हो जाएगा। u आपका ऑलवेज नेगेटिव होता है, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मान लो एक पार्क्ड कार में एक आदमी बैठा है और साइड व्यू मिरर से देखता है एक जॉगिंग करने वाले को, ठीक है। इस मिरर में वो देखता है पीछे से एक जॉगर आ रहा है, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस मिरर के अंदर इसकी इमेज बनेगी, मिरर के अंदर इसकी इमेज बनेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये मिरर का टाइप क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, साइड व्यू मिरर जो होते हैं व्हीकल के वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? हाँ, वही 1/f = 1/v + 1/u। इससे इमेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/v = 1/f
एफ माइनस वन अपॉन यू, ठीक है, एक साथ लेंगे इसको, एफ यू यू माइनस एफ वन अपॉन वी, तो वी आएगा आपका एफ यू यू माइनस एफ। यहां से आपकी इमेज डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एफ यू यू माइनस एफ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसके ऑब्जेक्ट की और फोकस की पोजीशन हम क्या क्या रखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, सपोज व्हाइल सिटिंग इन अ पार्क कार यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर आर इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ये आपको फोकस दे देगा। इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाउ फार द इमेज ऑफ जॉगर अपीयर्स टू मूव व्हेन जॉगर इज एट दिस पोजिशन दिस दिस एंड दैट। अब देखो, अब आपने कहा कि यहां पे आपको आर दिया है 2 मीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो गई 1 मीटर, ठीक है। अगर उसका फोकस 1 मीटर है तो v क्या हो गया, 1 मीटर मल्टीप्लाई में u, u माइनस 1 मीटर, ठीक है। अब केस वन में u है 39, तो v कितना हुआ 39, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस का u आपका आएगा 39, ऊपर ही माइनस का, तो v आया आपका 39/40, ये बात ठीक है। ये माइनस का क्यों लिया, साइन कन्वेंशन अप्लाई करिए हमने यहाँ पे, ये देखो ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने है, ये देखो ऐसे, अगर ये कॉन्वेक्स है ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, ठीक, इसकी इमेज जो बनती है वो पॉजिटिव बनती है कॉन्वेक्स मिरर की। तो अभी तक तो आपने सिर्फ ये लिखा कि भैया हमारे पास v आया है जब वो 39 मीटर पे था, लेकिन स्पीड निकालनी है, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, इधर आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, 5 सेकंड चल चुका होगा, 5 मीटर चल चुका होगा, पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 39 था, यह है आपका मिरर, यह है आपका जॉगर, यह है डिस्टेंस 39 मीटर। अब जॉगर चल के यहाँ आ चुका है, 5 मीटर चल चुका है, तो डिस्टेंस रह गया 34 मीटर, एक मिनट रुको, पहले डिस्टेंस 39 था, 39 में से 5 गया बचा 34, तो आफ्टर 1 सेकेंड यू डैश हो गया है 34 मीटर, ठीक है। अब फिर से वही लगाओ वी निकालने के लिए, वी इज इक्वल्स टू यू एफ यू माइनस एफ, चेक कर लूँ मैं एक बारी, ठीक है, तो u कितना है आपका माइनस 34 ये v डैश आ रहा है और u माइनस 34 माइनस 1 माइनस 34 बाय माइनस 35। अब v डैश कितना आ गया आपका माइनस 34 बाय माइनस 35 यानी कि 34 बाय 35, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज इन 1 सेकेंड,
चेंज इन पोजीशन क्या आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम? वेलोसिटी, टाइम तो वही था ना, एक सेकेंड उसको लगा, एक सेकेंड इसको लगा, तो वो आया आपका v डैश माइनस v, 34 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 39 by 40 v माइनस v डैश 39 by 40 माइनस 34 by 35, इसको सॉल्व कर लेना, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अब आप नेक्स्ट में पोजीशन क्या लेंगे, 29, ठीक है, तो आपका v क्या आएगा, 29 by 30, और v डैश क्या आएगा, अब तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना, 24 by 25, वही 5 मीटर का, क्योंकि स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो 5 मीटर ही है। इस वाले केस के लिए ये हो गया बी पार्ट के लिए। सी पार्ट के लिए क्या लोगे आप, 19 by 20 और वी डैश 14 by 15, ऐसे ही इसके लिए लेंगे डी के लिए, ठीक। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ध्यान दो। एक, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी चीज़, एक रिलेशन लगाया, 1/f = 1/v + 1/u। तीसरी चीज़, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, नेगेटिव नहीं लेते, ठीक है। चौथी चीज़, u पाँच, एक सेकंड में 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो अगर पहले u था 39, तो एक सेकंड के बाद वो हो गया 34, ठीक है, क्योंकि वो टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है, अवे फ्रॉम द मिरर नहीं जा रहा। क्वेश्चन बदल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जॉगर जो था वो दूर जा रहा था, रनिंग अवे फ्रॉम द मिरर, तो क्वेश्चन बदल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 39 और 34 किया, उसके बाद तो सिर्फ आपको फॉर्मूले में लगाना है, वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ईजी है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बारी, आसान है क्वेश्चन भी, सीधा फॉर्मूला लगेगा इसमें। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। अच्छा, जो डिस्टेंस है ना लाइट सोर्स का ग्लास की सरफेस से, वो 100 सेंटीमीटर है। तो ये तो आपका यू है, यू मिल गया, ठीक है, माइनस का ही लेंगे, सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, ये आपका एन टू है, नॉर्मल केस है, यानी कि सारा का सारा केस हम एयर में ले रहे हैं, तो एन वन वन हो गया, ठीक है। और क्या बचा है, एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनेगी पता लगाओ। आर और जी, आर दिया है, रेडियस भी दिया है, यार 20 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस है, अब ऊपर ये जो फॉर्मूला लिखा है इस पे आ जाओ, देखो रेडियस है आपके पास, एन वन है, एन टू है, यू है, वी निकालना है, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, एन वन एन टू आर, काम ख़त्म, और वी यू। इस क्वेश्चन को देखो, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 डिसअपियर इन अ थ्रो ऑफ वाटर।
भैया वो जैसे ही उसको एक लेंस बनाता है वो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, और उसको जब वो किसी लिक्विड में डालता है तो वो डिसअपेयर हो जाता है। डिसअपेयर का मतलब लाइट जैसे लिक्विड में चल रही थी वैसे ही ग्लास में चलती है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है जो म्यू लिक्विड का है, जो म्यू ग्लास का है वो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन सी दिखा देते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, कुड द लिक्विड बी वाटर, क्या ये लिक्विड वाटर है? नहीं, वाटर का म्यू हम जानते हैं, यार ये म्यू लिखने की आदत है, वाटर का एन हम जानते हैं 1.33। ठीक है, अब आंसर एक बार मैं रीड कर लेता हूँ इसका। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू 1.47 इन ऑर्डर टू मेक द लेंस डिसअपियर, यानी कि N1 N2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दिस गिव्स 1/f इज इक्वल्स टू 0, यानी कि फोकस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। द लेंस इन द लिक्विड विल एक्ट लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, उसकी कोई फोकल लेंथ ही नहीं होगी। ठीक है, नो लिक्विड, अब वो कह रहे हैं नो द लिक्विड इज नॉट वाटर, लिक्विड वाटर नहीं है, ये ग्लिसरीन हो सकता है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं करने। उसने बस पूछा था क्या ये लिक्विड है, क्या ये लिक्विड वाटर है, तो आपको कहना है नहीं। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं आप, इफ द फोकल लेंथ फॉर अ ग्लास इज 0.5 मीटर, वट इज द पावर? अब देखो भाई, पावर ऑफ लेंस जो होती है वो होती है 1/f। ठीक है, याद रखना अगर ये मीटर में है तो ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में हो तो इसे मीटर में कन्वर्ट करो 100 से डिवाइड करके। ठीक, और जो पावर है उसकी यूनिट क्या बनती है, या तो पर मीटर या डायोप्टर। ये बातें जो बता रहा हूँ ना बीच बीच में बेटा ध्यान रखना, एग्जाम्पल के साथ साथ हम उसका कंसेप्ट भी देखते जा रहे हैं कि कहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ डबल फोकल लेंस इज दिस एंड दैट। अच्छा, आपको R1 और R2 भी दिया है, ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखो, ये है आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस, और डबल कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव होता है, ये बात याद रहेगी, यही देखा हमने यहाँ पे। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करूँ तो ये 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखी, R1 10 सेंटीमीटर, R2 -15 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका फोकल लेंथ भी दे रखा है उसने 12 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब इधर आ जाओ, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने करा था, 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 1/R1 -1/R2, वैल्यू पुट करो, R1 की वैल्यू पुट करो, R2 की वैल्यू पुट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, फोकस की हम जानते हैं, आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, अगला पार्ट, बस एक मिनट रुको, और इधर, हाँ थर्ड पार्ट ये रहा, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। भाई एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, वॉट इज फोकल लेंथ इन वाटर, तो उसकी पानी में डालने में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो ये बात समझो, जब आपने उसको पानी में डिप किया तो उसका रेडियस तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला कॉन्वेक्स का 1.5 ऊपर वाले केस में, ठीक है, और अब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई है,
20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओरिजिनली एक फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ मैं, देखो ये फॉर्मूला है हमारा, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। रेडियस चेंज नहीं हुए, फोकस चेंज हुआ है, f डैश हो गया, ठीक है। और इसको मैंने लिक्विड में डिप कर दिया, n ग्लास और n वाटर, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, यहाँ पे भी n वाटर ले लो, ठीक है। ठीक है, याद क्या रखना है, रेडियस चेंज नहीं हुए तो डिवाइड करने पर ये गया। n ग्लास जानते हैं, दोनों का फोकस जानते हैं, पहले था 0.5 और अब है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल बचा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो निकल जाएगा, ठीक। देखो 1 अपॉन f n माइनस 1 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, इस फॉर्मूले को तो आप जानते हो ना, ठीक है। अब वो कहता है 1 अपॉन f डैश, जो अब 20 सेंटीमीटर हो गया है, n ग्लास माइनस वाटर, यहाँ पे भी आएगा वाटर, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। भाई यहाँ पे इस वाले केस में जहाँ से लाइट आ रही थी वो मीडियम था एयर, इसलिए यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर का है। लेकिन अब जहाँ से लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होगा, ये देखो, ठीक है, आ गई बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहता है, आपको 3 लेंस कंबाइन करके दिए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है, इसका 5 इसका 10, ठीक है, नीचे लिखा है, रुको। तो इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको, आपको करना क्या है, सबसे पहले लो इसको ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये फर्स्ट लेंस का है, पहले लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आप पहले लेंस की इमेज निकाल लोगे, मैं इनको नाम दे रहा हूँ, ये लेंस 1 है, ये लेंस 2, ये लेंस 3। अब इधर आ जाओ, फॉर लेंस 1, पहले लेंस के लिए u है 30 सेंटीमीटर, v पता लगाओ, f है प्लस 10 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, u है f है v हमें ढूंढना है, ठीक। आ जाएगा यहाँ से भी, देखते हैं क्या आया इनका, 15 सेंटीमीटर। अब बात को समझो, अगर मैं इस केस को लेता हूँ और यहाँ से इमेज बनाता हूँ, देखो ये यहाँ से इमेज जो बनी आपकी वो कहीं 15 सेंटीमीटर पे जाके बनी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर से पहले ही 5 सेंटीमीटर पे मैंने एक लेंस रख दिया, तो लेंस उसको डाइवर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, कुछ भी करे, वैसे तो ये कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्ज ही करेगा। तो मैंने आपसे कहा, जब मैंने इसके बीच में एक लेंस इंट्रोड्यूस किया, ये वाला, ठीक है, तो इस लेंस के आने से इसकी इमेज चेंज हो जाएगी, लेकिन इस लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो आप ये बोलोगे जो इसमें इमेज थी, फर्स्ट लेंस की जो इमेज थी
वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। अब हम लेंस टू की बात करेंगे, ये जो बात अभी हमने लेंस वन की थी अब लेंस टू की करेंगे। फॉर लेंस टू जो ऑब्जेक्ट है वो है फर्स्ट लेंस की इमेज माइनस लेंथ 15 माइनस 5 सेंटीमीटर, तो ये अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर आएगी। 15 सेंटीमीटर ये टोटल था, ठीक है, जो इमेज डिस्टेंस था उसमें से मैंने 5 माइनस कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है आपकी इसकी इमेज निकालने की, फोकल लेंथ दे रखी है इसकी माइनस 10। अब ध्यान देना इसका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आया है, तो ये मत सोचना ऑब्जेक्ट तो भैया ने बताया था हमेशा नेगेटिव ही आता है, नहीं नहीं नहीं, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट भी हमें यहीं मिल रहा है और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस का 10 और इमेज हमें फाइंड आउट करनी है और फोकल लेंथ दे रखी है माइनस 10। फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, आपका v आ जाएगा, ठीक है। v डैश देखते हैं कितना आया, टेन सेंटीमीटर, ठीक है। V-dash 10 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी आया। अब वो कह रहा है आपका V-dash कितना आया, इन्फिनाइट। इसका मतलब थर्ड लेंस के पास जो लाइट जाएगी वो पैरेलल होगी और जो रे पैरेलल होती है वो फोकस पे मीट करती है, तो फाइनल इमेज V" क्या मिली आपको, इस लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, पहले लेंस से एक इमेज बनी 15 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर आने से पहले ही 5 सेंटीमीटर पे एक लेंस आ गया, उस लेंस ने इसे डाइवर्ज कर दिया। कितना डाइवर्ज किया वो डिपेंड करता है इसके, ये था 10 सेंटीमीटर, फोकस भी 10 सेंटीमीटर था, इमेज कहाँ गई, इन्फिनिटी पे, पैरेलल हो गई, ठीक है। पैरेलल हो गई तो पैरेलल होके वो इस लेंस पे पड़ी। किसी लेंस पे अगर कोई पैरेलल रे आती है तो वो कहाँ जाके मिलती है, फोकस पे, तो फाइनल इमेज कहाँ बनी हमारी, लास्ट लेंस के फोकस पे, 30 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। आसान है, आगे चलते हैं। ये आई टॉपिक के हैं, आई टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है। तो एग्जांपल तो आपके ख़त्म हो गए, अब एक बार इसको नोट कर लो जो कराया है, इस क्वेश्चन को देख लो। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो इसको। इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है इसके बारे में। इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, जॉगर वाले को थोड़ा बड़ा है, चलो यहाँ से देखो,
एक ये पिक्चर, एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां आपके ऑप्टिक्स चैप्टर के एग्जांपल खत्म।